प्रदेश सरकार द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म जैसे मामलों पर रोक लगाने हेतु बनाए गए कानून के बावजूद इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला टोहाना से एक नाबालिग के साथ हुए रेप का है, जिसमें लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक लड़के ने उसकी बेटी को बंदूक दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया है। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 2018 की बात है, हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी अपने टोहाना एरिया से। उसने बताया कि उसकी बेटी के साथ पिस्टल पॉइंट पे गलत काम हुआ है। उसी कंप्लेंट पे, शिकायत पे हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया था अंडर सेक्शन 341, 506, 3 और 4 पॉक्सो एक्ट, क्योंकि जो उनकी बेटी थी वो नाबालिग थी। और मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करके जिस लड़के का नाम आया था उसका रवि कुमार उर्फ डब्बू है, जो अक्कावाली का रहने वाला है, उसको कल हमारी टीम ने जमालपुर रेलवे स्टेशन से कल शाम को उसको अरेस्ट कर लिया है। और अब उससे पूछताछ की गई है और अरेस्ट करने के बाद उसको आज कोर्ट में पेश करके एक दिन का रिमांड लेंगे, ताकि जो पिस्टल पॉइंट पे उसने जो उस बच्ची के साथ गलत काम किया है उस पिस्टल को हम लोग बरामद करें। और जो उसके साथी अगर इस मैटर में शामिल रहे होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करेंगे। कल जो हुआ है गुड़िया का, उसमें फोर्सफुली कुछ उसमें मार्च भी आए हैं और फोर्सफुली उसके साथ हुआ है। बस ये नशे का थोड़ा आदती है और नशे करता है, जिसने बताया, और तरह तरह के पूछताछ में बताया कि तरह तरह के नशे करता है।